हर हर महादेव। सावन का महीना बड़ा ही पावन महीना है। यदि आपको पैसे की परेशानी, धन संपदा से जुड़ी कोई समस्या है तो कर ले ये अचूक उपाय गुड़ का। गुड़ सबके रसोई में होता है, बड़ा ही ऐसी चीज़ है जो सबके घर में मिल जाती है। तो हम आपको बताएंगे गुड़ से कैसे उपाय करें, साथ में दो उपाय और बताएंगे। जुड़े रहिए लास्ट तक वीडियो से। छोटा सा वीडियो है, आपको करना क्या है, रसोई में जो गुड़ होता है उसका एक बहुत छोटा सा उपाय करना है। जैसे गुड़ मीठा होता है वैसे आपका जीवन मीठा हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की मीठी मीठी कृपा होने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ के सभी भक्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, मेरे दुख दूर करिए प्रभु, घर को सुख समृद्धि से भर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, किसी भी सावन में सोमवार के दिन या प्रदोष काल के समय आप शिव मंदिर में जाते समय एक चुटकी गुड़ आप ले लें और एक लोटा जल ले लें। पहले तो आप शिवालय में जाकर भगवान महादेव को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं और उसके बाद गुड़ चढ़ाएं और अपनी मनोकामना बोल दें और कहें, हे भोलेनाथ, ये गुड़ जैसा मीठा है, ऐसी मीठी मीठी कृपा आप हमारे जीवन में करें जिससे हमारे जीवन से धन संबंधी सभी दिक्कतें, सभी परेशानियां दूर हो जाएं। और धन से संबंधित जो भी परेशानी है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, पैसा आ रहा रुक नहीं रहा, जिस प्रकार की धन से जुड़ी समस्या हो उस समस्या को भगवान भोलेनाथ के सामने अवश्य बोलें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके घर में बरकत आने लगेगी, धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे तथा धन आपके घर में रुकने भी लगेगा, बरकत आने लगेगी। भोलेनाथ बहुत ही सरल हैं, आप जो भी उनसे सच्चे हृदय से कहेंगे वह मिलेगा। गुड़ चढ़ाकर आप वहाँ अपना माथा टेकें और सीधे अपने घर चले आएँ। लोटे में जरा सा बल जल बचा के लाएँ, एक दो चम्मच, उसको आप अपने मुख्य द्वार पर छींट दें जिससे भोलेनाथ को आपका एड्रेस मिल जाएगा कि इस एड्रेस पर बरकत भेजनी है। इसके बाद दूसरा बड़ा सरल उपाय है जो आपको करना है, काले तिल का उपाय। इसमें भी आपको वही करना है जिससे एक लोटा जल लेंगे, एक चुटकी काला तिल लेंगे और अपने घर से भगवान भोलेनाथ का मंत्र जपते निकल पड़ेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसा बोलते हो आप शिवालय में पहुँचेंगे, महादेव के शिवलिंग पर पहले जल अर्पित करिए, फिर काली तिल्ली चढ़ा दीजिए और उसके बाद महादेव की 3.5 परिक्रमा करिए, फिर वहाँ बैठ जाइए 5 मिनट के लिए और एक एक तिल्ली जो आपने बिखराई है उस पर नज़र डालिए कि कहाँ कहाँ गिरी है काली तिल्ली, और उसको बड़े ध्यान से देखिए। भोलेनाथ से मन ही मन प्रार्थना करते रहिए, हे प्रभु, जैसे आपके ऊपर चढ़ाई हुई तिल्ली ये चारों तरफ बिखरी हुई है, ऐसे आप मेरे जीवन में सुख संपत्ति बिखेर दीजिए, सभी ग्रह हमारे अनुकूल कर दीजिए। क्योंकि जब ग्रहों की महादशा चल रही होती है ना, कुंडली में कोई न कोई ग्रह खराब होता है, तब ऐसा हो जाता है कि बड़ी परेशानियाँ आती हैं। तो काली तिल का ये उपाय आपके घर में बरकत लाएगा तथा सभी ग्रहों को आपके अनुकूल बनाएगा। खासकर शनि देव की जब महादशा चलती है तब घर में क्लेश होना, बीमारी होना और दवा नहीं लगना बीमारी वाले जिसको हो जाए, तथा आपस में पति पत्नी का झगड़ा होना, भाई भाई का झगड़ा होना, माता पिता बच्चों का झगड़ा होना, कई तरह के क्लेश, नए नए क्लेश घर में उपजते हैं, ये शनि की महादशा का लक्षण है और पितरों के दोष का भी लक्षण है। तो काली तिल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ पर आपको महादेव की भी कृपा मिलेगी,
आपके पितर भी प्रसन्न होंगे क्योंकि पितरों को भी काले तिल बहुत पसंद है। जब आप भोलेनाथ पे समर्पित करेंगे तो पितर बहुत प्रसन्न होंगे, सात पीढ़ियों के पितर आपके तृप्त हो जाएंगे तथा शनि देव की भी कृपा आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि छोटे छोटे काम हैं जिनको करने से जीवन में बड़ी खुशहाली आती है और माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होगी। तीसरा उपाय आप एक और कर लें, अपने गुड़ जो रसोई घर में कभी अपने डिब्बे में ख़त्म न होने दें। ख़त्म होने से पहले भले आप 100 ग्राम गुड़ आपके डिब्बे में हो लेकिन रहना अवश्य चाहिए, गुड़ कभी ख़त्म नहीं होने चाहिए। तो रात का भोजन करने के बाद आप एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का अवश्य खाएं। पहले माता लक्ष्मी का नाम लें, उनको याद करें, हथेली में गुड़ रख के 2 मिनट और फिर उस गुड़ को खा लें, जिससे माता लक्ष्मी की बरकत आपके घर में बढ़ने लगेगी। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी और प्रसन्न होकर के आपके घर में धन धान्य की बरसात करेंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जहाँ उनके नाम से रसोई घर में गुड़ रखा जाता है और लोग थोड़ा प्रसाद रूप में प्रतिदिन उसको खाते हैं, भोजन करने के बाद माता लक्ष्मी उस घर में अवश्य आती हैं तथा अपने भक्तों पर कृपा भरपूर करती हैं। ये छोटे छोटे हमने आपको 3 उपाय बताए हैं। तिल के उपाय से आपको ग्रहों की भी कृपा मिलेगी, सभी ग्रह अनुकूल होंगे, खासकर शनिदेव आपकी कुंडली में जो है वो शुभ हो जाएंगे। और गुड़ जो है ना वो मंगल का भी प्रतीक है, जिनकी कुंडली में मंगल की महादशा चल रही होती है उनके भी जीवन में बड़ी भारी भारी परेशानियाँ आती हैं। तो जब आप गुड़ का ये उपाय भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर जाकर करेंगे तो मंगल देव की कृपा भी आपकी कुंडली पर जो है शुभ स्थान पर होने लगेगी और आपके जीवन के दिन सुधरने लगेंगे। क्योंकि जब आप मंगल की महादशा से परेशान होते हैं तभी घर में बीमारियां घर कर लेती हैं और आपके घर में पैसा भी नहीं टिकता। ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को पॉजिटिव एनर्जी से भरें। पॉजिटिव ऊर्जा जब आपके आसपास रहेगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा, तो सभी देव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रसन्नता की ओर प्रसन्नता बढ़ती है और दुख की ओर दुख बढ़ता है। आप हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें, बड़े उपयोगी हैं। आप सभी उन वीडियोज को देखें जो आपके काम के हैं, कुछ लोगों में शेयर भी करते हैं तथा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इस सनातनी चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और जुड़े रहिए हमारे चैनल के पेज से, नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए जिससे न्यू अपडेट आपको मिलते रहे। रामायण महाभारत भी सुनिए लाइव। हर हर महादेव।